नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित देसाई और आप देख रहे हैं ग्वाइन टाइम्स। गृहलक्ष्मी पर इवेंट चल रहा है और नूर जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहोगे गृहलक्ष्मी के बारे में? गृहलक्ष्मी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि मेरी जो आइडल है वो मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर्स हैं जो हाउस वाइफ है, जो सिर्फ घर को मैनेज नहीं करती, जो हर किसी को, और हर वुमेन गृहलक्ष्मी होती हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ को मैनेज करती हैं, तो मैं उनको सलाम करती हूँ। लड़कियों की हालत दिल्ली में ऐसे केसेस भी बढ़ते जा रहे थे और कुछ टाइम में पहले ऐसे दो चार केस ऐसे हुए थे जो झंझोर करके हमारी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही थी, तो क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी, मैं लड़कियों को मैसेज नहीं देना चाहूँगी, जो समाज को मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी थोड़ी सोच बदलें और हर एक इंसान को हक होता है, हर एक लड़की को हक होता है कि वो आगे निकले और वो अपनी परफॉर्मेंस या ये टैलेंट से वो शो करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो दबके रह जाती हैं, पर मैं कहती हूँ कि आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। आपके लगातार फैंस बढ़ते जाते रहते हैं, आपकी रील्स लगातार वायरल रहती हैं, तो क्या कहना चाहोगे जो रील्स और जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन करा है उनके लिए, आप जिनके लिए आप इंस्पायर होते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि डीमोटिवेट मत होइएगा, कभी भी मत होइएगा, क्योंकि हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है, तो अगर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा मतलब कि कंटिन्यू रखिए, ये होना जरूरी है। आपका फेवरेट एक्टर और डांसर कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित, शुरू से मेरी फेवरेट वही रही है, और उन्हीं को देखकर मैंने डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था।